दोस्तों अभी अभी मैंने एनी डेस्क इंस्टॉल किया है लेकिन एक प्रॉब्लम दिखा रहा है कि ये नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता ठीक है कनेक्टिंग टू द नेटवर्क इस प्रकार से और ये फेल्ड हो जाता है डिसकनेक्टेड फ्रॉम एनी डेस्क नेटवर्क इस प्रकार से दोस्तों एरर दिखा रहा है तो इसको कैसे सॉल्व कर सके इसकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आपको करना यह है सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो एनी डेस्क है मैं इसको सबसे पहले रन कर लेता हूँ ओके और टास्क मैनेजर में मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे एनी डेस्क जो है वो थर्टी टू बीट दिखा रहा है ओके okay. और मेरा जो कंप्यूटर है दोस्तों यहाँ पे 64 बिट का है तो 32 बिट का एनी uh, डेस्क इस वजह से ये प्रॉब्लम मेरे को तो लग रहा है ठीक है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि uh, मेरा जो कंप्यूटर है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आपको 64 बिट का अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिए आपका कंप्यूटर कौन से बिट से बना है और आपका जो एनी डेस्क है वो रन कीजिए और टास्क मैनेजर में जाकर देखिए कि वो थर्टी टू बीट का हो सकता है तो इस प्रकार से अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है ना तो ठीक है आपको एनी डेस्क को यहाँ पे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि 32 बिट जो है वो 64 बिट से सपोर्ट नहीं करेगा जो यहाँ पे सॉल्यूशन है मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे दिस पीसी में जाकर अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाकर एनी डेस्क को प्रॉपरली अनइंस्टॉल कर लूँगा कुछ इस प्रकार से आपका एनी डेस्क अनइंस्टॉल हो जाएगा सभी प्रकार की जो सेटिंग है एनी डेस्क के आपको रिमूव कर लेना है कोई भी यहाँ पर टिक आपको बाकी नहीं रखना है सभी को रिमूव कर दीजिए इस प्रकार से आपका एनी डेस्क दोस्तों अनइंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा अब दोस्तों आपको करना यह है आप ब्राउजर में जाओ गे, और ब्राउजर में आपको गूगल पे सर्च करना है ठीक है इस प्रकार से मैं ब्राउजर यहां पे ओपन कर रहा हूं और गूगल पे मैं सर्च करूंगा एनी डेस्क ठीक है और 64 बिट इस प्रकार से मैं आगे लगाऊंगा एनी डेस्क 64 बिट और मेरा विंडोज़ 10 है इसलिए मैं विंडोज 10 को यहाँ पे आगे टाइप करने वाला हूँ ठीक है तो मुझे दिखाएगा गूगल एनी डेस्क का 64 बिट का जो वर्जन है उसको हमें डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है और दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैं लाइव प्रूफ हंड्रेड आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों इस प्रकार से आप जाओगे ना तो आपका एनी डेस्क दोस्तों प्रॉब्लम नहीं देगा हकस, यहाँ पे सक्सेसफुली वो नेट से कनेक्ट हो जाएगा आपको एड्रेस भी मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे देखिए आपको ऊपर वाला वर्जन को नहीं लेना है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एनी डेस्क का एक ऑर्डर आपको वर्जन मिलेगा सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको देख लेना है इसमें अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखाई देती है तो आपको इस वर्जन को नहीं सिलेक्ट करना है तो मैंने जो यहाँ पे लिंक दे के रखी हुई है हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दी हुई है आप उसको भी चेकआउट एक बार कीजिए मैं एनी डेस्क को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए गूगल क्रोम से डाउनलोड किया तो उसने थोड़ा सा एरर दिखाया मैंने किप पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों निकल चुका है और मुझे यहाँ पे योर एड्रेस भी दिखा रहा है मैंने योर एड्रेस को यहाँ पे ब्लर इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनवांटेड कनेक्शन मुझे यहाँ पे आ, एनी डेस्क के माध्यम से आए ठीक है तो इस प्रकार से आप एनी डेस्क को 64 बिट का है आपका का यहाँ पे आपका अगर लैपटॉप 32 टू बिट का है और आपने सिक्सटी फोर बिट इंस्टॉल किया तो तो भी ये प्रॉब्लम दिखाएगा अगर आपका लैपटॉप सिक्सटी फोर बिट का है कंप्यूटर सिक्सटी फोर बिट का है और आप थर्टी टू बिट दोगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करने वाला है तो दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर प्रॉब्लम सॉल्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए